गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है अलायंस। अलायंस का मतलब होता है किसी तरह का समझौता, दो समूहों दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की संधि, समझौता या मैत्री, उसे बोला गया है अलायंस। अलायंस के सिनोनिम्स है यूनियन, एसोसिएशन, लीग, कोलिशन, फेडरेशन। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, हॉस्टिलिटी, सेपरेशन, वॉर। कोलिशन, कोलिशन का इसका सिनोनिम भी है कोलिशन। देखिए कोलिशन इसी का मतलब, इसी से समझ सकते हैं आप कोलिशन जस्ट लाइक अलायंस, सिनोनिम्स एक दूसरे के। कोलिशन का मतलब होता है एक से अधिक संगठनों से बना कोई बड़ा संगठन या फिर एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलाई गई सरकार या गठबंधन की सरकार, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। सिनोनिम्स है अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन। एंटोनिम्स आइसोलेशन, डिसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है अस्थिरता हो, जिसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी ना हो, आसानी से बदलते रहने वाला, बदले जाने वाला, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। सिनोनिम्स है लिक्विड, फ्लुएंट, फ्लोइंग, रनिंग, अनस्टेबल, वेरिएबल। एंटोनिम्स है सॉलिड, अनचेंजेबल, कंस्टेंट और हार्ड। मैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल का मतलब होता है जो माता की तरफ से रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ब्लड रिलेशन्स होते हैं माँ की तरफ से, उस कंटेक्स्ट में ये बात की जा रही है। मातृवंशीय या मातृकुलीय, उसे बोला जाता है इंग्लिश में मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल के सिनोनिम्स है इनहर्टेड, लीनियल, मैट्रियाकल और फैमिलियल। एंटोनिम्स है कोलेट्रल, इनडायरेक्ट और डिफरेंट। एथनिकल, एथनिकल का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसा समूह जो विशेष तरह की कोई शेयर करते हो रिलीजन, किसी तरह का विशेष जाति या धर्म से संबंधित, नस्ल जाति या जातीय समूह, उसे बोला गया है एथनिकल। एथनिकल के सिनोनिम्स है कल्चरल, एथनिक, सोशल, रेशियल। एंटोनिम्स है अनसोशल, अमोरल और बैड। स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है प्रमुखता दिखाई जा रही है किसी चीज़ की, जो मुख्य हो, बेसिक और इम्पॉर्टेंट कोई चीज़, उसे बोला गया है स्टेपल। स्टेपल के सिनोनिम्स है बेसिक, मेन, प्राइमरी, चीफ। एंटोनिम्स है माइनर, सेकेंडरी, इनएसेंशियल और अननेसेसरी। लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा होना, एक ही पक्ष के बारे में केवल देखना, असंतुलित, उसे बोला गया है लॉपसाइडेड। सिनोनिम्स है अनइवन, अनइक्वल, अनबैलेंस्ड, असेलेंट, असेलेंट। एंटोनिम्स है लेवल, बैलेंस्ड, स्ट्रेट और काम। सेकेंड एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, रैम्प अप। पहला वर्ड है रैम्प अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ बढ़ते रहना, वृद्धि होते रहना, उसे बोला गया है रैम्प अप। सिनोनिम्स है बिल्ड, इंक्रीज, बिल्ड अप, वर्क अप। एंटोनिम्स है अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज और सीज। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है गति में वृद्धि करते रहना, तेजी के साथ वृद्धि होते रहना किसी चीज़ में, बढ़ोतरी, उसे बोला गया है एक्सेलरेशन। सिनोनिम्स है स्पीड अप, एक्सेलरेटिंग, हेस्टिंग, क्विकनिंग, इंक्रीज। एंटोनिम्स है डिसेलरेशन, स्लोइंग, डेफरल और स्लोनेस। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है पहले ही समस्या है, किसी तरह की कठिनाई है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना, स्थिति को और ज़्यादा बदतर बना देना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेटिंग। सिनोनिम्स है डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन, फेल। एंटोनिम्स है इम्प्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्टिव। सिनोनिम्स है राउडी, डिसऑर्डरली, राइटस, ट्रबल्ड। एंटोनिम्स है सेटलिंग, क्वाइट, कामिंग और पीसफुल। फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है किसी भी तरह की हलचल, कोई हड़बड़ी, गड़बड़ी, कोई घबराहट, उसे बोला गया है फ्लरी। सिनोनिम्स है बसल, फज, गस्ट, डिसकंसर्ट। एंटोनिम्स है काम, क्वाइट, क्लैरिफाई, डल। कंट्रास्ट का मतलब होता है चीज़ों में विषमता पाई जाना, भिन्नता होना, डिफरेंस, उसे बोला गया कंट्रास्ट। सिनोनिम्स है डिफरेंस, डिससिमिलैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्टिंक्शन, वेरिएशन। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, कंपेयर, सिमिलैरिटी और कॉपी। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, संकटों से भरी हो, संकटपूर्ण हो, उसे बोला गया है डिजास्ट्रस। सिनोनिम्स है कैलामिटस, कैटास्ट्रॉफिक, रूनस, फेटल। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड और हैप्पी। एजिटेशन का मतलब होता है लोगों के द्वारा किसी बात से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया जाना किसी तरह का लोगों के द्वारा, उसे बोला गया एजिटेशन।
सिनोनिम्स है टर्मोइल, कमोशन, डिसक्वाइट, एक्साइटमेंट। एंटोनिम्स है पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। रिसर्जेंस, इसका मतलब होता है पुनः जान डाल देना किसी चीज़ में, पुनर्जीवित या विकास होना किसी चीज़ का, एकदम फिर से ग्रो होना रैपिडली, उसे बोला गया है रिसर्जेंस। एंटोनिम्स है रिवाइवल, रिसरक्शन, रिवाइटलाइजेशन, रिबर्थ। एंटोनिम्स है एटेन्यूएशन, डिसअपीयरेंस, ब्लाइट और ब्रेकडाउन। रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है किसी भी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर लोगों का क्या राय है, क्या मत है, क्या लोगों का जनमत संग्रह है, उसे बोला गया है रेफरेंडम। सिनोनिम्स है वोट, पोल, इलेक्शन, मैंडेट, बैलेटिंग। एंटोनिम्स है टेबल, अब्सटेन, एंटीपैथी और कंस्ट्रेंट। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में या के मध्य में, के दौरान, उसे बोला गया है एमिड। सिनोनिम्स है अमंग, बिटवीन, अमिडस्ट, ड्यूरिंग। एंटोनिम्स है बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे। वैंडलिज्म, वैंडलिज्म का मतलब होता है बिल्कुल से तोड़ फोड़ करना पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी की, बर्बरता के साथ पेश आना, विध्वंसक प्रवृत्ति अपनाना, तहस नहस करना, बर्बाद करना, दैट इज कॉल्ड वैंडलिज्म। वैंडलिज्म के सिनोनिम्स है हुलिगैनिज्म, सबोटाश, डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन, डैमेज। एंटोनिम्स है बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिवनेस और प्रोडक्शन। प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी तरह की घोषणा किया जाना पब्लिकली, सरकार के द्वारा या किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा किसी तरह का कोई राय, कथन या मत, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट के सिनोनिम्स है डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, डिक्टम और स्टेटमेंट। एंटोनिम्स है फर्टिव, एप्लीकेशन, इग्नोरेंस और अबॉर्शन। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है भारी, क्वांटिटी में लार्ज, लार्ज इन साइज, क्वांटिटी, विशाल, बड़े पैमाने पर, भारी, उसे बोला गया है मैसिव। सिनोनिम्स है ह्यूज, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, इमेंस, लार्ज। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल और स्मॉल। डायस्फोरा, डायस्फोरा का मतलब होता है किसी विदेश में रहने वाले लोगों का जो समूह होता है, उनके द्वारा किसी तरह का कोई मूवमेंट चलाई जा रही है, उसे बोला गया है डायस्फोरा। सिनोनिम्स है माइग्रेशन, डिस्पर्सल, डिसोल्यूशन, डिस्पर्शन और एक्सोडस। एंटोनिम्स है इसके कंसंट्रेशन, अराइवल, क्राउड और गैदरिंग। रप्चर्ड, रप्चर्ड का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ को की तोड़ फोड़ कर देना, मतलब या दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच में अधिक अच्छे प्रगाढ़ अच्छे संबंध है तो उनके बीच संबंधों में खटास आना या समाप्त हो जाना संबंध, उसे बोला गया है रप्चर्ड। रप्चर्ड के सिनोनिम्स है ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड, शैटर्ड, स्प्लिट। एंटोनिम्स है मेंडेड, रिपेयर्ड, होलिस्टिक और अटैच। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ऐसी कोई गतिविधि या ऐसा कोई काम जो बहुत देर तक चलता रहे, लंबी अवधि तक चलने वाला, दीर्घकालीन, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और लिटिल। इंटेंट का मतलब होता है कोई काम करने का हमारा क्या इरादा है, हमारी क्या सोच है, अभिप्राय, इरादा, इच्छा, अभिलाषा, उसे बोला गया है इंटेंट। सिनोनिम्स इंटेंशन, पर्पस, डिजाइन, गोल। एंटोनिम्स है इरेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। पिटफॉल्स, पिटफॉल्स का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय जो हमें कठिनाइयाँ, कोई विपरीत परिस्थितियाँ, कोई खतरा या कोई परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है किसी काम में, किसी तरह के काम करने में कोई झमेला, उन्हें बोला जाता है पिटफॉल्स। पिटफॉल्स के सिनोनिम्स है ट्रैप, स्नेयर, डेंजर, डिफिकल्टी, पेरिल। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेवन और बेनिफिट। ये लास्ट वर्ड था आज के दिन हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी आपने कुछ एक वर्ड्स नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट भी हुए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।